पसीने से दिखाओ। नहीं सोता, रात को 2 बजे सोता हूँ, रखता सिर मत्थे पे ना। चंदन का टीका ठंड। गाइस ये हो गई है भावुक बोझा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गणपति बप्पा मोरिया। आज है हमारे घर में गणपति जी का day 2 और आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हो रही है उनके भोजन की तैयारी। तो भोजन में मैंने क्या क्या बनाया आपको सब दिखाती हूँ। और भोजन में मैंने बनाया है आज गणपति जी के लिए चीज टमाटो, सूखे आलू, साथ में रायता और साथ में आइसक्रीम। मतलब मिठाई इनको कभी रायता दे देती हूँ, कभी खीर दे देती हूँ, मतलब अलग अलग चीज। ये है हमारे गनू जी का भोजन और दोपहर के 1 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट मैंने इनको करवा दिया था, मतलब पोहे का ब्रेकफास्ट करवाया था आज। और उससे पहले आरती करी तो बिल्कुल भी व्लॉग, अब तो एक न्यू मेहमान हमारे घर पे आया तो व्लॉग स्टार्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो फटाफट सोचा कि अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और टाइम भी हो चुका है, 1:30 बजने वाला है, खाना इनका थोड़ा सा लेट हो गया। सबसे पहले आप दर्शन करो हमारे गणपति बप्पा के, गणपति बप्पा मोरया। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, हाथ में कभी मोदक लेके बैठते हैं और कभी फूल लेके बैठते हैं। और साथ में ये हमारे छिटकू से कन्हैया लाल जी, ये भी तैयार तैयार होके बैठे हुए हैं आराम से। इनकी भी मौजें हो रखी हैं, रात को भी यहीं पे ही सो रहे हैं और दिन में भी सारा दिन इनके पास ही बैठते हैं और इनके साथ एक थाली में ही खाना खाते हैं ये। तो गाइस मैं लगवाती हूँ भोग और भोग लगवाते हुए नहीं दिखाते होते, फिर आप सबको दिखाते हो। तो गाइस आज के मीठे में है हमारे गणपति जी के लिए आइसक्रीम और फिर हम भोग लगाएंगे रात को। पान का, पान बड़ा फेवरेट है इनको। अगर आप सब ले भी गणपति रखे हुए हैं तो गणपति जी को पान का भोग जरूर लगाना क्योंकि आपने वो आरती में भी सुना होगा कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मतलब पंच मेवा, फूल और पान। ये तो जब तक आपके घर पे गणपति जी रहे और आप ये तीनों चीजें इनके साथ ही रखें। घर पे गणपति जी आए हैं यहाँ पे गौरी 24 घंटे, मतलब गौरी ने गणपति जी का पूरा मन लगा रखा है, इनको डांस वगैरह करके दिखाती रहती है। क्या कर रही है? वीडियो क्यों बना रही हूँ? कर क्या रही है? मैं 3:30 बज गए, गणपति जी को फ्रूटी का भोग लगवा दी। तो सोए नहीं पड़े भगवान? भगवान नहीं सोए होते, आपके घर पे अगर पांच दिन कोई मेहमान आया आप उसको कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं, उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं दोगे, फ्रूटी नहीं दोगे, क्या चीज नहीं दोगे? टिकट वगैरह काटी खड़ी है लगाया। इस भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त पता है किस किस को होता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनको भगवान की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मतलब मैं तो इतनी किस्मत वाली हूँ ना, मेरे को तो इतनी ज्यादा खुशी हुई पड़ी है मेरे घर गणपति जी आए हैं जब से। और आप मानोगे नहीं, लड्डू भी उनके साथ ही सो रहा है, अभी भी सोया हुआ है। सोचा इनको फ्रूटी का भोग लगा दिया जाए और फिर शाम को गाइस मैं स्नैक्स बनाऊंगी इनके लिए। तो आपको इस ब्लॉग के अंदर शाम के स्नैक्स भी दिखाऊंगी मैं अपने गणपति जी को किस चीज का भोग लगवा। गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और अब हो रही है हमारी आरती की तैयारी। मतलब अभी उठाया है मैंने गणपति जी को भी, लड्डू जी को भी, बस इनको जल का भोग लगवाया है और अब टेंशन ये हुई पड़ी है कि स्नैक्स क्या बनाऊं। मैं इनसे पूछ रही हूँ और यहाँ पे ये लगा रहे हैं भजन के लिए स्पीकर। हेलो ये सुसुराम है हमारा, करो हेलो, अब करो। राधे राधे गणपति बप्पा मोरिया। कभी सोचा था लाइफ में गणपति बप्पा जी की सेवा करने का मौका मिलेगा? भगवान सेवा करवाते हैं, भगत करते हैं सेवा। ये भगत तो गाइस वैसे बहुत सेवा करता है बट बाहर की घर तो थोड़ा सा लेट उठता है ये। गाइस मैं सही रात नहीं सोता, रात को 2 बजे सोता हूँ। किसने कहा 2 बजे सो? बना रही हूँ। अब क्या बना रही है? फ्रेंच फ्राइज। ये तेल में फ्राई करी, क्या चीज है ये? रिफाइंड है, तेल थोड़ी है, पूरी नहीं निकाली थी तो ब्रेड बोलनी होती है। आपने ही बोला है कि फ्रेंच फ्राइज बनाओ, कल ब्रेड पकौड़े बना लेंगे। गाइस यहाँ बनने जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज क्योंकि गणपति बप्पा जी को भोग लग जाएगा और बाद में हम भी चाय के साथ खा लेंगे। मेरे को क्यों दिखा रहा है? रो क्यों रही है? मैं तो गाइस ये होगी भावुक
आरती करते करते ये देखो आरती तो करी नहीं अभी, रो क्यों रही है फिर? मैं ये सोच रही हूँ कि गणपति बप्पा को हम 5 दिन के लिए लाए और 2 दिन इतनी जल्दी बीत गए, और दो दिन इतनी जल्दी जल्दी बीत गए। यार रो क्यों रही है? गाइस मैं एक बात आप सबको ये बताती हूँ, जिस दिन मतलब 19 को अप्पा गणपति जी को लेके आए हैं चतुर्थी वाले दिन, और 19 को हमने लेके आना था, और 3-4 दिन पहले से ना मतलब मैं, मेरी आदत है कि मैं ना बहुत ज्यादा लेट उठती हूँ, बहुत लेट नहीं मतलब ये भी 7-8 बजे, और अब मेरी नींद रियलिटी में बताऊँ 3:30-4 बजे मतलब ऐसा लगता है कि बाहर कोई लोबी में बैठा हुआ है, और सच में मैं मतलब आती हूँ देख के चली जाती हूँ इनको, आती हूँ फिर देख के चली जाती हूँ, मतलब नींद ऑटोमेटिकली खुलती है, और सारा दिन सोचती हूँ कि इनके लिए क्या स्पेशल बनाया जाए, क्या इनकी सेवा की जाए, क्योंकि देखो 5 दिन के लिए ये मेरे घर पे है, और मेरी खुशकिस्मत है कि मैंने इनकी सेवा करी है, और तो रिश्ते काम नहीं आते आजकल, भगवान के रिश्ते ही हैं जो काम आते हैं, और उनसे मेरा रिश्ता इतना अच्छा बन गया है कि आप बताओ कि कैसे गणेश जी हमने लेके नहीं आने थे ना, हमने गणेश जी कभी लेके नहीं आए, हम गाइस सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक वीडियो बनाने गए थे, लेकिन वहाँ पर जाके हमारे मन में आया कि क्यों ना हम भी इनकी सेवा करें, हमारे मन में भाव पैदा हुए कि यहाँ इनको लेके जाएंगे, तो गाइस उसी वक्त दूसरी दोपहर को ही हमारा मन बन गया कि हम भी लेके आएंगे, ऐसे ही जैसे लड्डू की बारी हुआ था, लड्डू गोपाल जी भी हमारे घर में ऐसे ही आए थे कि हम किसी रिलेटिव के, पंडित जी ने क्या डराया, अब आप ले आए आपको हर साल लाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, आप कर लोगे, मैंने सिर्फ इतनी बात कही, भगवान देखो भाव के भूखे हैं, भगवान आपके 56 भोग खाने नहीं आते, भगवान को अगर आप 2 चीजें भी खुशी से दिल से बना के दोगे ना, वो तो उसमें भी बहुत खुश है, और मेरे से जितना हो पा रहा है ना मैं दिल से इनकी सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ, कि 5 दिन मेरे घर ये आए हैं और मैं अच्छे से इनकी सेवा करूँ, और बस ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई लॉबी के अंदर सच में साक्षात बैठा हो। गाइस इसे कल ना 10 बार ऐसे लगा कि कोई लॉबी में बैठा है, ये कहती है मुझे आवाज आ रही है बार-बार, ये बार आती थी फिर जाती थी, क्यों कल मौसम भी बहुत खराब था, लेकिन इसको ये फील होता रहा बार-बार कि बाहर कुछ है, और कल से जब गणपति जी आए हुए हैं तब से हमारे लड्डू गोपाल जी यहीं पर ही विराजमान है, अंदर नहीं गए क्योंकि इनके पास ही बैठे हैं, इनके पास ही सो रहे हैं, इनके पास ही बैठकर खा रहे हैं, हमारे घर के लिए, वरना हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम भगवान की सेवा, और भगवान चल के खुद हमारे घर पे आए, जिस बंदे का गाइस कोई मन ना हो, ठीक है, एक जस्ट वीडियो बनाने के लिए गया हो, और वो 2 दिन के अंदर अंदर मैंने फटाफट तैयारी करी, डेकोरेशन करी, मैंने इन्हें बोला कि डेकोरेशन करनी है, और ये कहते हाँ कोई बात नहीं, फटाफट सामान लेके आए, मतलब सब कुछ अरेंज अपने आप, गाइस मैं भी यही कहूंगी कि दिल से एक बार भगवान से नाता जिसका जुड़ गया ना, उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मतलब अपनी लाइफ के अंदर, और इनका चेहरा भी इतना मनमोहक है ना कि बस देख के दिल को बड़ा कुछ होता है मेरे, तो मैं सोचती ही नहीं विसर्जन वाले दिन का, तो सच में बताऊँ तो मैं वो दिमाग से बात ही निकाल देती हूँ, अगर सोचती हूँ ना तो फिर मुझे ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, मैं अपना ब्लॉग भी यही खत्म करती हूँ, और बात भी करूँगी गणेश जी की, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, गणपति बप्पा।